एक दिन सुबह मेरे मोहल्ले में एक कार आके खड़ी होती है। मैं बेसब्री से देख रहा हूँ उस कार की दरवाजे की तरफ। पहले उतरते हैं उनकी डैडी और उनकी मम्मी। आंटी जी को मैंने देखा। आंटी जी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर मैंने ये सोचने लगा, आंटी जी इतनी खूबसूरत है, उनकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। ये सोचकर मेरा सोच में पड़ गया। हरामी हो बेटा। और जिसकी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो घड़ी आ गई। उस लड़की कार से उतरती है। मैं अपनी चार आंखों से उसे देख रहा हूँ। मैं अपनी चार आंखों से फोकस उसकी तरफ लगाया और मैंने देख लिया। एक मिनट तक बोलती बंद, शब्द ही नहीं आ रहा मुंह से। एक मिनट के बाद इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लड़की को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और रुको, ऐसा हालत मेरे अकेले की नहीं है, मेरे मोहल्ले की सब की हालत ऐसी है। मैं अंदर ही अंदर ये सोचने लगा, हमारे बगल वाले फ्लैट में ये आ गई तो कितनी अच्छा होगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये सोचकर मैंने घर के अंदर चला गया। हेलो, एक्चुअली हम लोग बगल वाले घर में नए आए हैं और बारिश भी बहुत हो रही है, क्या आपके पास माचिस है? बेटा मन में लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट, 2 रुपए में 2 लड्डू, कुछ मीठा हो जाए। मेरे झंड जिंदगी में जब भी खुशी आती है उसके पीछे पीछे ही दुख दौड़े चलाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे पता चल जाएगा आप। और दिन से रात हो गई। रात को मेरा दरवाजे की घंटी बजती है और मैं दरवाजा खोलता हूँ और मैंने ये देखा, मेरे हरामी दोस्तों की लिस्ट बनाओ तो ये दोस्त टॉप 10 हरामी दोस्तों में आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपकी दोस्त आपके साथ मीठी मीठी बात करता है तो समझ जा आपके साथ बहुत बड़ा काम है। मैंने समझ लिया, काम बोल। अरे यार, तू तो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मेरे मन की बात पढ़ लेता। हाँ, चन्ने की जड़ पे मत चढ़ा, काम बोल। हमारे मोहल्ले में एक लड़की आई ना। हाँ तो? तू उसकी ड्राइंग बना के देने का। क्यों? तू देखा है उसको कितनी खूबसूरत है। तुझे तो हर खूबसूरत लड़की को पटाने, अबे तेरे को पटेगी नहीं वो। ओ अमिताभ बच्चन की शायरी सुना नहीं? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तुझे पता है अगले महीने एग्जाम आने वाला हमारी, उसकी कोशिश की तुमने? प्लीज कर दे यार, तुझे नहीं पसंद तेरे दोस्त की गर्व से। इमोशनल ड्रामा मत कर। प्लीज यार, कर देना ड्राइंग प्लीज। नहीं 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 करूंगा। तुझे याद है उस दिन हम दोनों कॉलेज के बाद सिगरेट फूके थे? तुझे याद है उस दिन हम दोनों सस्ते नशे किए थे? अभी धीरे बोल, मम्मी पापा घर पे। आंटी जी को बोलो तेरा कांड साहब, तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आंटी जी, अबे मुंह बंद रख, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सही खेल गया बैंच। जिस दोस्त को आपके सारे चेत पता है तो उस दोस्त के सामने हार मानने में बलाई है। टैग दैट आरामी दोस्त। और मैंने ड्राइंग स्टार्ट करा। और उस हरामी दोस्त ने उसके करीबी हरामी दोस्त को ये बात बताया। हर किसी का जिंदगी में एक दोस्त जरूर होता है, उस दोस्त के साथ हमारी हर बात शेयर करते हैं, फिर वही दोस्त हमारे मजे ले रहा होता है। कौन है ये लोग,
कहाँ से आते हैं? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये बात इतनी पहली, इतनी तेजी से पहली, एक बार को तो कोरोना भी शर्मा गया। अबे ये कौन है मेरे से भी तेज फैल रहा। और ये बात पूरी मोहल्ले में फैल गई। चाचा चाची, ताया ताई, पुफा पुफी, नाना नानी, मौसा मौसी, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, हमारे अपार्टमेंट के चौकीदार, हमारे अपार्टमेंट के चौकीदार क्या कुत्ता, और पिछले 1.5 साल से इस पलंग पे पड़ा हुआ बुड्ढे भी ये बात सुनकर उठकर नाचने लगा। और इन सब में से जो भी पुरुष है, बच्चे से लेके बुड्ढे तक, आशिकी लड़ाने का एक मौका नजर आ रहा है। हर कोई उस लड़की में अपना प्यार तलाश रहा है। किसी को अपना बचपन का प्यार नजर आ रही है उस लड़की में, किसी को अपना अधूरा प्यार तलाश रहा है उस लड़की में, किसी को अपना गर्लफ्रेंड बनाना है, किसी को अपना पत्नी बनाना है, सर किसी का अलग अलग चाहते है उस लड़की से। लेकिन इन सबको सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका यही लगता है उस लड़की का ड्राइंग बनवा कर गिफ्ट करे, इम्प्रेस करे और प्रपोज करे। आप मानो या ना मानो, लोग दूसरों से ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं, ये फैक्ट है। इन सबको मुझे मिलने का हड़कंप मच गया। जो लौंडा सिंगल है उस लड़की के साथ दिन में सपने देख रही है, और इन सब ने एक दूसरे से चुप चुप तो मुझे मिलने आ रहे हैं। मैं अपने आराम से काम कर रहा हूँ और मेरे दरवाजे की घंटी बजती है। कभी मेरा दोस्त आ रहे, कभी मेरे पड़ोस के चाचा आ रहे, कभी मेरे पड़ोस के पुफा आ रहे, कभी मेरे पड़ोस के मौसा आ रहे, कभी मैं कभी और, कभी और, कभी और, कभी और। बंद करो यार, मैं मंदिर का घंटा हूँ, हर कोई आके मुझे बजा रहे और इनको मना भी नहीं कर सकता मैं। हद तो तब हो गई, पिछले 1.5 साल से पलंग पे पड़ा वो बुड्ढे भी ये आके कहता है, अरे बेटे मेरा कुछ कर देना, बड़े बुजुर्ग का धुआं लग जाएगा आपको। ये बात सुनकर मेरे जिंदगी का वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, चालाकी से सबको प्रिंट करके दे दी, सब ले गए। अगले ही दिन उस लड़की का नए घर का हाउस ओपनिंग था, सबको इनवाइट किया गया था, सब मुंह उठा के गए। और उस लड़की की मम्मी सबके सामने अनाउंस करती है, हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए, इस संडे को हमारे बेटी का एंगेजमेंट है, आप सभी को आना है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कृति सेट्टी का ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में कुछ बातें रियल है, एक्चुअली में कृति सेट्टी का ऊपर लोग पागल हो गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।